गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आज का तो सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। हाँ, आज आप लोगों के लिए मैं एक कुछ अलग सा स्पेशल ब्लॉग अपने किचन से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और देखते हैं आगे को क्या क्या होता है। तो अगर हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे उस घंटे को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर मिलते रहेगी। और हाँ, चलते हैं, ये हमारा किचन काम कर रहे हैं। तो अभी जा रेडी हो रहा है अभी धीरे धीरे करके, और ये देखेंगे आप लोग, और बाकी सभी लोग अपने अपने काम पे अभी सब व्यस्त है। और तो विकास साहब, आपको होटल लाइन में कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए? यहाँ पर तो मेरा 2 मंथ ही हुए हैं, मैं दूसरी होटल में 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा, और मतलब 2000 कितने से ज्वाइनिंग किया था आपने? मैंने 2015 से होटल लाइन ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, और बाकी हमारे अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, 2-3 साल है, 2-3-4 महीने हुए शायद इनको अभी। और ये देखो फिर से यहाँ पे सफाई चली है मस्त करके एकदम, और इतने अच्छे से मतलब, हाँ बताओ बताओ ना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार हम धनिया की सफाई कर रहे हैं, कोरिएंडर कहते हैं क्रीम डिश में, पता नहीं होगा, 3 साल का BHM कर रखा मैंने। अच्छा, BHM होता क्या? HM होता BHM HM नहीं BHM। वाह, गुड जॉब, आई लाइक इट। और आगे की स्टोरी आप बाद में बताएंगे। अच्छा, BHM होता है HM होता है? नहीं सर, है। अच्छा, पढ़े लिखे गंवार आते हैं ये लोग, ये आते हैं हमारे पढ़े लिखे गंवार में। हाँ, वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आगे। और यहाँ पे हमारे बबलू सेब हैं, जरा बबलू सेब से भी हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। तो बबलू सेब, अभी आपको होटल इंडस्ट्री में कितना टाइम हो चुका है काम करते हुए, बताएंगे क्या अपने बारे में जरा? आप कहाँ से हो और आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए, मतलब होटल इंडस्ट्री में टोटल? जी जी जरूर, मेरा नाम बबलू कुमार है। हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और मैं होटल इंडस्ट्री में लगभग वही 4-4.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले सबसे पहले अपना स्टार्टिंग हुआ था एक रेस्टोरेंट से, छोटा मोटा रेस्टोरेंट से। हाँ, आज मेहनत की बदौलत यहाँ तक पहुँचा। हाँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, मेहनत किया तो अब मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। हाँ, आप लोग भी मेहनत करें, आगे की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल, दूसरों लोग क्या सोचते हैं उस पर ध्यान ना दें। हाँ, क्योंकि लाइफ अपने को जीने है, दूसरा एक रुपया नहीं दे देगा आपको। हाँ, अगर आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हो। हाँ, तो ऐसा सीन होता है, आप आगे की ओर अगर बढ़ना चाहते हो तो लोग नीचे की ओर गिराने की सोचने रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, और आप अगर दूसरे के सोच पर जिस दिन चलने लगे उस दिन आप जीवन में कभी सफलता नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल, बस मैं इतना ही आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हाँ सभी लोग अभी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना अपना डिटेल्स देने के लिए, थैंक यू सो मच आपका। तो गाइस ये देखिए बाहर अभी पार्टी चल रही है यहाँ पे, तो सभी लोग पार्टी में व्यस्त हैं एकदम मस्त करके। ये हो रही है हमारी पंजाबी फेस्टिवल की तैयारी। हाँ, और चलो बताओ फटाफट। हेलो गाइस, और ये देखे गाइस, ये कौन सा चिप्स तल रहा है क्या मालूम, और बता नहीं रहा नाम, और बोला मेरे को नाम मालूम नहीं, ये देखिए इसका हाल। और ये देखिए हमारे हरीश भाई, और ये देखे गाइस पता नहीं अभी यहाँ पे, और ये इधर का किचन है, ये देखिएगा आप लोग, और गाइस ये देखिए अभी यहाँ पे कौन सा क्या है भाई, ये कौन सा चाप है? हेलो, सोया चाप, मतलब कौन सा चाप है? पंजाबी मसाला पापड़, पापड़ तो उधर है, ये इसका नाम बोलने के लिए बता रहा हूँ मैं, सोया चाप। अरे सोया चाप मतलब कौन सा चाप है? सोया का चाप, ये बड़ी का बनता है। अरे बड़ी का बनता है, मलाई चाप है, अचारी चाप है, अफगानी चाप है, अफगानी दिख रहे थे।
ये चाप से और वहाँ के हमारे सर यहाँ पे देखो। सर जी नमस्कार, कैसे हो आप? और काम धाम सही चल रहा है? 8 बजे हाँ टाइम तो हो ही गया। और ये देखिए बर्तनों का स्टोर देखो यहाँ है। और ये हमारे सर, सर कहाँ से हो आप? बिहार से। हाँ सर बिहार से। और आपको यहाँ कितना टाइम हुआ और कौन से डिपार्टमेंट आप काम करते हो जरा बता सकते हो आप मेरे दर्शकों को? यूट्यूब में। हाँ मतलब आपका नाम क्या है सर बता सकते हैं आप? जयदेव पासवान। अच्छा और तो गाइस अभी यहाँ पे पार्टी का खाना वाना चल रहा है और मैं भी यहाँ पे थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए आ गया था ऊपर किचन में। और तो टोटल इस होटल में 7 किचन है तो ये देखिएगा आप लोग। और बाकी यहाँ पे काम चल रहा है, ये देखिएगा आप लोग। सभी लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे।